भारतीय संस्कृति में हर मंगल कार्य की शुरुआत से पहले स्वस्तिक चिन्ह अंकित किया जाता है। यह हमारी सभ्यता का प्रतीक है, यह हमारी पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन जब से नाज़ियों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, नाज़ियों के इस इस्तेमाल की वजह से दुनिया में भ्रम पैदा होना शुरू हो गया। पहले बात करते हैं स्वस्तिक चिन्ह की। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वस्तिक चिन्ह अंकित किया जाता है, उसका पूजन किया जाता है। इसका संधि विच्छेद करें तो यह बनता है सुधन असधन क। सु का मतलब अच्छा, अस का मतलब सत्ता या अस्तित्व, क का मतलब कर्ता यानी कि करने वाला। इस प्रकार से इस शब्द का जो अर्थ है वो है अच्छा या मंगल करने वाला। बौद्ध धर्म में ये मांझी का प्रतीक है जो कि भगवान गौतम बुद्ध के कदमों का अर्थ बताता है। इसे बौद्ध मंदिरों की जगह के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। चाइना में इसे वान कहा जाता है जो कि ब्रह्मांड का प्रतीक है, अस्तित्व जो है प्रभु का वो बताता है। इसी तरीके से जैन धर्म में ये चार तरह के जन्म का प्रतीक है जो कोई आत्मा आखिर में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के पहले हासिल कर सकती है। पारसी धर्म में ये चार मूल तत्वों जल अग्नि वायु और पृथ्वी का प्रतीक है। भारत में सिंदूर और हल्दी से बनाए गए जो प्रतीक हैं स्वस्तिक चिन्ह, ये दुकानों के दरवाजे, गाड़ियों, त्योहारों पर, खास मौकों पर दिखाई देते रहे हैं। दूसरी जगहों की बात करें तो रोमन तहखानों में, ग्रीक और ईरान के खंडरों में, इथोपिया और स्पेन की जो चर्च हैं वहां पर भी ये नजर आया है। और सिर्फ यही नहीं, स्वस्तिक चिन्ह जो है अमेरिकन्स का भी सिंबल है जिसका इस्तेमाल साउथ वेस्ट के जो कबीले हैं वो करते थे, खास तौर से नावाज़ो और होपी। नावाज़ो के लिए एक पवित्र तस्वीर है जिसका इस्तेमाल उपचार के रिवाजों और सैंड पेंटिंग में होता था। यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में इसके 15,000 साल पुराने अवशेष पाए गए हैं। इसके साथ ही प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में भी स्वस्तिक चिन्ह को पाया गया। भारत में सदियों से स्वस्तिक जो चिन्ह है इसका निशान हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के लोग जो है करते आ रहे हैं। ये लोग इस चिन्ह को पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं शांति के रूप में। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके लिए यही जो सिंबल है ये एडोल्फ हिटलर के क्रॉस का है, जो नफरत का, होलोकॉस्ट का जो है प्रतीक है, याद दिलाता है, और नाज़ियों ने जो भयानक करतूतें की उसका सिंबल है, निशानी है। जो नव नाज़ी हैं वो आज भी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं डर के लिए, नफरत फैलाने के लिए। और एशियंस जो हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, जो अमेरिकन्स में कबीलों के जो लोग हैं उनके लिए आज भी ये पवित्र निशानी है। लेकिन अब एशियंस को अपने सिंबल के लिए, जो उनका अपना पवित्र स्वस्तिक चिन्ह है, उसको नाज़ी हॉकेनक्रॉइट से अलग करने के लिए आज भी जूझना पड़ रहा है। अगर आप बहुत ही गौर से देखते हैं तो अंतर बहुत स्पष्ट है। जो स्वस्तिक पवित्र चिन्ह है उसमें और जो नाज़ियों का सिंबल है उसमें बहुत बारीक सा अंतर है। स्वस्तिक चिन्ह को ही एक अलग तरीके से नाज़ियों ने इस्तेमाल किया और सारा कन्फ्यूजन जो है दुनिया में यहीं से फैला है। फॉरेन में रहने वाली एक महिला बताती हैं कि उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग कॉरपोरेशन बोर्ड ने दिवाली की सजावट को अपमानजनक बताया और उसे हटाने की मांग कर ली। उनके जो हस्बैंड हैं वो डॉक्टर हैं और उन्होंने दिवाली की सजावट में हैप्पी दिवाली लिखा था और उसके साथ में एक स्वस्तिक जो है वो बना दिया था, अंकित किया था। दोनों निशानों में जो थोड़ा सा फर्क है इसे लेकर के वहाँ के लोग, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो समझ नहीं पाया, जो उनकी अपार्टमेंट बिल्डिंग के लोग थे वो समझ नहीं पाए और सारा बवाल शुरू हो गया। लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स की बात करूँ तो जो अमेरिका में स्पेशली अगर बात करें तो जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें, नॉर्थ अमेरिकन जो मूल के लोग हैं उनका साथ मिल रहा है क्योंकि उनके भी जो पूर्वज थे वो उपचारों के अनुष्ठान में इस चिन्ह का इस्तेमाल करते आ रहे थे। अब बात करते हैं न्यूयॉर्क में रहने वाले स्टीफन हेलर, डिज़ाइन हिस्टोरियन और स्वस्तिक सिंबल बियॉन्ड रिडेम्पशन के जो राइटर हैं उनकी, स्टीफन हेलर की। ये कहते हैं कि स्वस्तिक जो है बहुत सारे लोगों के लिए एक डराने वाला बुरा निशान है। ये कहते हैं कि ये निशान उन लोगों को उनके जीवन में, उनके पूर्वजों के जीवन में जो कुछ बीता उनकी फैमिली में उसकी याद दिलाता है। ये कहते हैं कि गुलाब का नाम आप कुछ भी रख दें तो रहेगा तो गुलाब ही। लेकिन सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि स्वस्तिक चिन्ह का इस्तेमाल अगर कोई नफरत के लिए करने लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चिन्ह बहुत बुरा है, वो चिन्ह बहुत पवित्र है जो कि हमारी संस्कृति का, बहुत पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। उसे किसी ने अपने मतलब के लिए, मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे डरें। हालांकि क्योंकि नाज़ियों ने उसका इस्तेमाल किया था तो आज भी वो लोग जिनके परिवार पीड़ित हुए उन्हें आज भी उस होलोकॉस्ट की जो है वो याद दिलाता है। और होलोकॉस्ट जो है वो नाज़ी और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने तकरीबन 60,00,000 यहूदियों को सुनियोजित तरीके से मार दिया था, उसकी याद दिलाता है। दुनिया जानती है कि स्वस्तिक चिन्ह जो है बहुत पुराना है, प्राचीन काल से हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और नाज़ी सिंबल जो है वो बहुत नया नया सा है। जर्मनी के जो राष्ट्रवादी गुट थे उनको जब मालूम चला कि जो उनका पुराना ट्रॉय शहर है उसकी खुदाई के दौरान एक ऐसा सिंबल मिला है तो उन्हें बड़ी दिलचस्पी हुई और उन्होंने इसे 1920 में अपना लिया था।
नॉर्थ अमेरिका में 20वीं सदी की शुरुआत में स्वस्तिक जो था वो सिरेमिक टाइल से लेकर के वास्तु, सेना के सिंबल्स, टीम लोगो, सरकारी इमारतों और मार्केट कंपनियों का फेवरेट बन चुका था। यहाँ तक कि कोका कोला ने तो स्वस्तिक के जो है पेंडेंट भी निकाल दिए थे। न्यूयॉर्क में रहने वाले एक मंक बताते हैं, एक बौद्ध भिक्षु हैं, वो बताते हैं कि जब पहली बार उन्हें किसी अंतर धार्मिक सम्मेलन में जाने को का मौका मिला और वहाँ जब उन्हें बताया गया कि स्वस्तिक जो है वो बुराई का प्रतीक है, तो वो चौंक गए, घबरा गए, वो हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उनका कहना है कि स्वस्तिक या मांझी जो है, ये शब्द सुनने के बाद में उन्हें अपने मठ की याद आती है, क्योंकि जापान में उसका यही मतलब है जहाँ वो पले बढ़े हैं। वो कहते हैं कि आप इसे बुराई का प्रतीक नहीं कह सकते, हिटलर की वजह से दूसरी सच्चाइयों को नहीं झुटला सकते जो कि हजारों साल से चली आ रही हैं। आई रियली होप कि दुनिया को ये बात समझ में आएगी कि स्वस्तिक चिन्ह पवित्रता का प्रतीक है और उसे उसी रूप में स्वीकारना चाहिए, ना कि सिर्फ एक हिटलर की वजह से। आज आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज में इतना ही। दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर कि स्वस्तिक जैसे निशान को लेकर के लोगों के मन में नफरत है, डर है। उम्मीद है कि वो नफरत और डर जो है खत्म होगी। आप देखते रहिए मेरे साथ यहाँ एक्स्ट्रा वीडियोज, जहां पर मोटिवेशन के अलावा बहुत सारी बातें होंगी, और जो मेरा मेन चैनल है जिसका नाम है आरजे कार्तिक, वहां मोटिवेशनल बातें, स्पिरिचुअल बातें, बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको अच्छा इंसान बनाएंगी, वो सुनने को मिलेंगी।